ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ग्लौं हौं क्लीं ज्वालामातः ज्वालामातालय ज्वालामातल हाँ जी। तो दोस्तों जय माता दी। जैसा आपने टाइटल पढ़ा, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो शाम से रेलवेज के मैसेज आ रहे थे कि भाई आपका पीएनआर कंफर्म है, टिकट कंफर्म है, कोच ये है, लटरम फटरम। हमें निकलना था 8:30 बजे। भाई अभी एक मैसेज आया कि आपकी ट्रेन जो है रीशेड्यूल हो गई है और वो कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे के करीब जाएगी। तो लगभग 5 घंटा 35 मिनट ट्रेन लेट हो गई है। तो बने रहिए, सुबह मिलते हैं स्टेशन पर। दोस्तों ये हमारा सारा लगेज पैक पड़ा हुआ है, 2 बैग ये हो गए, हम कोई भी अटैच ही नहीं लेके जा रहे हैं। एक ये बैग हो गया, एक के बैग हो गया, हम सारे जो है बैक पैक ही लेके जा रहे हैं। एक ये हो गया, एक में जो है माता रानी को चढ़ाने के लिए हमने प्रसाद रख लिया है। तो दोस्तों ये है प्रसाद जो हम माता रानी को गुफा में चढ़ाने जा रहे हैं, और ये प्रसाद चढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि बार बार से आ जाएगा, गुफा के अंदर जा सकता है। बस ये सामान है, ये और ये 2 बैग, और अब हम सुबह मिलेंगे स्टेशन पर। कभी आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ऐसे खाली देखा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐसे खाली? लोग कहते हैं कि टाइम चिल करो ब्रो, चिल। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि गाड़ी लेट हो गई है, 11:15 की बजाय अभी आ रही है 4:40 पर। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं 2:30 बजे स्टेशन पे। तो पता लग रहा है कि जी गाड़ी जो है 7:30 बजे आएगी सुबह, और पता नहीं कब पहुँचेगी, आएगी भी या नहीं आएगी, और ये नौ कैंसिल हो जाए। तो भाई साहब सुबह के 8:00 बज गए, 8:20 हो गए हैं 14 तारीख के। 13 तारीख रात 11:15 की ट्रेन थी, और 14 तारीख सुबह 8:10:20 पे चल रही है। अभी हम निकल रहे हैं नई दिल्ली स्टेशन से। पठानकोट पहुंच चुके हैं और शाम के जो है 6:30 हो चुके हैं। चलो 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 चलो, सिग्नल हो गया, चलो। जो सिग्नल हो गया है, 1 मिनट के लिए स्टॉपेज है सब जगह का। हम मिलते हैं कटरा में। तो जी अभी अभी हम 14-15 घंटे का सफर करके आए हैं और अपना होटल ले लिया है, और रात के 11:15 हो गए। तो भाई गोलगप्पे भी हैं, गोलगप्पे भी खाएंगे, पहले जरा खाना खा ले, भाई बहुत थक गए हैं यार हम। और अब आपको मार्केट दिखाता हूँ। ये मार्केट है, रात को बंद होने वाली है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। फटाफट से यार ढाबा ढूंढ के खाना खा लेते हैं। तो ये आ गया हमारा प्रेम ढाबा, जहाँ हम सालों से आते जा रहे हैं, हम यहीं पे खाएंगे। चलो चलते हैं, भरा हुआ है, यहाँ पे बैठ जाते हैं फटाफट से जो है। तो ये यहाँ का मेन्यू, तो भाई इतना पीछे ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इतना थके हुए हैं कि ये पढ़ने की ना हिम्मत नहीं हो रही है। बस ये पढ़ा है कि इसमें इनको चाहिए मसाला डोसा जो है
इनको चाहिए बर्गर किंग जो बाहर मिल जाएगा, और हमने क्या किया दोनों ने मिलके हस्बैंड वाइफ ने ये मंगा ली है थाली, ये खाएंगे और पेट पूजा करके जाकर सो जाएंगे। ये अपनी थाली आ चुकी है 230 रुपीज की, इसमें दाल मखनी मिक्स वेज और कढ़ाई पनीर और ये पुलाव और सलाद और बाकी रोटी वगैरह आ रही है। रोटी एक्स्ट्रा लगोगे तो थोड़ी महंगी नहीं, 5-7 रुपये की आती है। चलो खाते हैं भाई, भूख लगी बहुत जोर की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दिन शनिवार का है, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने माता रानी के। तो अब क्या है यहाँ पर RFID कार्ड का सीन शुरू हो गया ना, तो RFID कार्ड जो है कटरा बस स्टैंड के पास मिलता है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से RFID कार्ड लेते हैं। और बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बेटी दर्शन के लिए नहीं जा पाएगी, हम तीन लोग ही जा रहे हैं, मैं वाइफ और बेटा। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कटरा बस स्टैंड, लगो भाई भाई RFID कार्ड के लिए, देखो कितनी लंबी लाइन है, और बताते हैं आपको कितना टाइम लगेगा टिकट लेने RFID कार्ड लेने में। वैसे तो यात्रा ऑनलाइन पर्ची, तो यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची जो दिल्ली से हमने ली है ऑनलाइन, उसका कोई फायदा नहीं हुआ भाई, बहुत गर्मी है, इतने पसीने हो गए यहाँ पर, और अभी 3 मिनट हो चुके हैं, लाइन आगे बढ़ रही है तेजी से। जब ऊपर जूम करता हूँ, ये है भैया आदिग्वारी, आधे लोग तो यही भवन समझ लेते हैं माता रानी का, ये है माता रानी का गर्भ जून गुफा है, आदिग्वारी ये वो जगह। तो हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं यात्रा पर्ची काउंटर के लिए, जो लाइने लगी है, बच्चा चेंज हो गया हमारा, धूप लग रही है ना, हेलो गाइज हो गया इनका, लाइन में लग के कैसा लग रहा है। तो भैया भीड़ जो है दबा के लगी हुई है RFID कार्ड के लिए, पूरा जो स्टोर है ना ये इनका RFID वालों का पूरा भरा हुआ, ये देखो यार भाई खचा खच भरा हुआ है, और ये ऐसे घूम घूम के लाइन जा रही है पीछे तक जाएगी। तो आपको लाइन में लग के कैसा लग रहा है। लाइन तो अभी चल रही है, अभी तो रुक गई है, वैसे पहले चल रही थी, अभी हम RFID कार्ड बनवाएंगे तीनों का, उसके बाद गाइज हम जाएंगे बर्गर किंग बर्गर खाने। 40 मिनट हो गए हैं, बहुत भीड़ है, और फटाफट से जो है कार्ड बनी जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पिन कोड बताना, और आपको ID कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों हम जो है RFID कार्ड लेके आ गए, ये देखो ये यात्रा पर्ची काउंटर के बाहर आ गए, बाहर निकलते ही हम जो है अपना नाश्ता कर रहे हैं फ्रूट्स के साथ, और बाहर निकलते ही ये ब्यूटीफुल सी एक शॉप लगी है यहाँ पर, बहुत सुंदर अंदर से और अच्छे साफ सुथरे फ्रूट है, ये ले रहे हैं हम, नाश्ता इसी से करेंगे। हम हैं कटरा बाजार में, ये है कटरा बाजार, और कार्ड हमने ले लिया है, और मौसम बहुत अच्छा है, और अब हम यहाँ से बर्गर किंग से नाश्ता करने जा रहे हैं, और नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर जो है बाणगंगा के लिए यहाँ से ऑटो कर लेंगे, और भी नाश्ता करें बर्गर किंग में, बैठे बच्चे क्या क्या ऑर्डर किया आपने, इतना कुछ ऑर्डर कर लिया याद नहीं आ रहा। फाइनली बाणगंगा के लिए जा रहे हैं, ऑटो कर लिया है, बाणगंगा से जो है चेकिंग करा के घोड़े पकड़ेंगे या पैदल मिलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है, हो सकता है घोड़े ना भी मिले। तो जय माता दी, जय माता दी। कैसा लग रहा है भैया, बाणगंगा के कितने रुपए हैं? 150 रुपए भैया। और वापसी के कितने होते हैं? 260 रुपए भैया। 260 रुपए, वो क्योंकि लंबा रास्ता है, घूम के आता है ना भाई, बाहर से अगर शेयरिंग पे जाओगे तो कम है, स्पेशल। बड़े जंगल में वीडियो आ रही है, और भाई घोड़ा रहने दो, हम सोच के तो भैया यही आए थे लाइन कितनी लंबी है, पर वहाँ पे थोड़ी मिलेगी ट्रॉली, ताराकोट वाले पे बस, बस फिर हो गया, तू वो प्रेम में बैठ जियो, वहाँ चल के देखेंगे, अगर आपको लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना, अभी फिलहाल चलो। आपको कैसा लगा, कभी आप कुछ और भी पूछ लिया करो, इसलिए मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ब्रो आपको कैसा लग रहा है, यही सोच रहे हैं कि इधर से जाना, इधर से चले जाओ उधर, नहीं 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 यार ये तो बहुत भीड़ है, यहाँ तो बैंड बज जाएगा हमारा नीचे तक ही। ये देखो
वहाँ वो अंदर चेकिंग होगी तब जाके जो है। मैं तो खैचम गैस चल जाऊंगा। देखो भाई अब हम जा रहे हैं, देखो थक गए बेचारे आंटी। वही रास्ता जा रहा है ना? हाँ ये नया रास्ता जा रहा है। स्टोव बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी पे बने हुए हैं। दूरी की कोई बात नहीं, उसमें तो पानी की बोतल। ये आ गया, चलो पहुंच गए। तो जी जय माता दी, अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है। फाइनली ये है, यहाँ से हमने चेकिंग करा ली है, कार्ड दिखा दिए, अब यहाँ से हम जो है आगे जा रहे हैं। यहाँ बताया है हम लोगों को वापसी जो है ना, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना RFID कार्ड, ये वहाँ पर ड्रॉप करने हैं। और इसमें स्कैनर लगे हुए हैं, ये स्कैनर स्कैन कर लेते हैं आपके RFID कार्ड की रिटर्न को। आराम आराम से, और यहाँ पर जगह जगह प्लास्टिक रिसाइकल वाली मशीन लगी है, इसमें बॉटल डालो पूरा सब कचरा करके जो है रिसाइकल के लिए तैयार कर देगी। रुक 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 ना, यही रुक। इधर मत, अरे जय माता दी यार। दोस्तों ये आ रहा है नीचे से ताराकोट मार्ग, ताराकोट मार्ग में आके थोड़ा सा आगे चलोगे तो ये ऊपर यू टर्न आता है। यहाँ पर करके गांव वालों के लिए ना यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे शॉप्स है, सुवेनियर शॉप, यहाँ पे खाने पीने का सारा सामान है, लकड़ी ये ले जाने वाली लकड़ी, सबसे बढ़िया बच्चों के लिए प्रैम वगैरह भी अवेलेबल है इस वाले रूट पर। तो अगर जो लोग छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं और बाणगंगा से प्रैम वगैरह लेना भूल गया तो यहाँ से प्रैम ले सकते हैं, खाने पीने का आइटम ले सकते हैं, चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम है। तू बैठ के पी, चलो यहाँ बैठ के पीते हैं हवा में। एक बारी और बता दो कैसा लग रहा है?
तो जी अभी स्टोर में रुके तो बड़ा पंखे वंखे अच्छे लगे हुए हैं, साफ सुथरा है। दोस्तों यहाँ पर ना इतनी सफाई है, टॉयलेट्स बने हुए हैं फ्री जगह जगह पर, लेडीज और जेंट्स अलग अलग, और नीट एंड क्लीन है, देखो इतनी साफ है यहाँ पर जो रोड है, आप आराम से यहाँ बैठ भी जाओगे ना कोई आपको गंदा नहीं लगेगा, साफ सुथरा एकदम, कितना साफ है। और हम नीचे हाथ धोलिए, कैसा साफ था? हाँ बहुत साफ था। आज मतलब ऐसे नहीं था कि पब्लिक वॉशरूम का तो गंदा हो, बदबू आ रही हो, बदबू तो नहीं थी, साफ है। हाँ सोप भी था। अच्छा वेरी गुड। मम्मी आ गई, मम्मी खुद ही आ रही वॉशरूम। माता रानी के भवन, चलिए श्रीमान। आशु देख जूमिंग, ये कटरा पे ट्रेन शंटिंग हो रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये इंजन के साथ, और ये जो लाइन जो मैं दिखा रहा था श्रीनगर जो जा रही है। तो अभी अभी हम चढ़ रहे थे और ये थके हुए थे, तो अचानक से हमें दिखाया आगे मैकडॉनल्ड्स, ये दिखा मैकडॉनल्ड्स, तो इनसे पूछते हैं इन्हें मैकडी देखकर कैसे फील हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, हमको खाने से मतलब नहीं है, अभी हम जाएंगे बैठेंगे हवा खाएंगे वॉशरूम जाएंगे, और कुछ काम नहीं है हमको। चलो प्योर वेज है मैकडी, इज प्योर वेज, नॉन गार्लिक नॉन अनियन, नो गार्लिक नो अनियन, प्योर वेज। इधर से जैसे मुड़े हैं तो सामने ही दिख गया आदिकुंवारी भवन, आदिकुंवारी जी का, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये है, ये देखिए यहाँ जाना है। ये है जी आदिकुंवारी माँ का भवन, यहाँ माता रानी 9 महीने रुकी थी गर्भजून में, तो अभी है यहाँ से 6 किलोमीटर, तो यहाँ से पूरा घूम घाम के जाना, इतना आगे तो यहाँ भी पहुँच जाएंगे यार, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। दोस्तों हम सांझी क्षेत्र के आसपास आ चुके हैं, यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया जो है भोजनालय का इंतजाम किया हुआ है श्राइन बोर्ड की तरफ से, और दूसरा यहाँ पर उन्होंने गार्डन को बनाया हुआ है यात्रियों के एंजॉय के लिए, ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ पूरा पार्क, देखिए गुलाब ही गुलाब लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के गुलाब हैं यहाँ पर, बैठने की सुविधा है लोगों के अंदर, वहाँ ले चलते हैं आपको। उसके बाद ये देखिए सबसे बुरी चीज़ क्या है ना, सरकार हो किसी का भी काम हो वो मेंटेन करते हैं उसको, गंदा हम लोग ही करते हैं। अब यहाँ पे इतना सुंदर जो ये गार्डन आप देख रहे हैं, इसके इधर देखिए यहाँ पर पेड़ जो पौधे हैं इनको बचाने के लिए यहाँ पर सरकार ने इनका चबूतरा बना दिया,
अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस पेड़ को ये दिया, अपने माथे की बंधी हुई गंदी ये जो है ना पसीने वाली चुनरियाँ यहाँ बांध दी है। तो क्या बताइए, आप ही बताइए क्या सही किया हमने, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये जो श्राइन बोर्ड की सेवा करते हैं इन्होंने ना भजन लगाए हुए हैं, तो ना अलग सी मतलब पॉजिटिव एनर्जी बॉडी के अंदर आ रही है। जैसे ये साउंड आता है ना तो बॉडी थकी हुई होती है, फिर भी वो चार्ज हो जाती है एकदम से। चलो जी, ये हम आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ माता रानी के दरबार की स्क्रीन आ रही है, लाइव आ रही है ऊपर से। जय माता दी। ये है भोजनालय का काउंटर, अंदर चलते हैं, पहले आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पार्क भी है, व्यू भी है, खाना भी है, और क्या चाहिए। जय माता दी। यहाँ किचन साफ हो रहा है, देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा व्यू है, ये देखो। जय माता दी। लंगर प्रसाद फ्री है, फ्री है, फ्री। अरे वाह, क्या बात है। जय माता दी। दोस्तों ये आ गया माता रानी का लंगर। माता रानी के लंगर में है चावल, दाल और ये कुछ ग्रेवी सी है, सीताफल की सब्जी है, सब्जी नहीं है, ग्रेवी ग्रेवी है, और आ गया ठंडा ठंडा पानी। तो चलो जी ग्रहण करते हैं माता रानी का प्रसाद। एक रिक्वेस्ट कि आप, मैं आ रहा हूँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लंगर प्रसाद लें या माता रानी का प्रसाद कहीं से भी ग्रहण करें तो उतना ही लीजिए जितना आप खा पाए। कई बच्चे होते हैं ना प्लेट भरवा लेते हैं और उनसे खाया नहीं जाता, पानी पी पी के पेट भर लेते हैं, फिर मम्मी पापा को कहते हैं आप खाओ। तो बच्चे और बड़े सभी से एक अनुरोध है, कृपया उतना ही लंगर लें जितना आप खा पाए, वेस्ट ना करें। अब मैं बताया था मैं किन की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये रे, इनसे खाया नहीं जा रहा। कैसा है अब तो आप बताओ कैसा है। लंगर है तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। चलो जी खाते हैं। तो जी बहुत ही भयंकर सीन हो गया था, जहाँ पर हम लंगर कर रहे थे वहाँ पर ये भाई साहब जो है खो गए थे और वाटिका देखने के लिए चले गए थे, वाटिका से भी नीचे कोई जगह, उसके बाद ये खो गए थे। सारा मूड जो है इन्होंने माँ बहन एक कर दी, अब मिले हैं, ढूंढा है ना एक पड़ी है, उसके बाद हम बहुत आगे आ गए। अब हमें रास्ते में मिला है कैफ़े कॉफ़ी डे, ये देखो अपनी मम्मी को बताने जा रहे हैं, ये देखो कैफ़े कॉफ़ी डे, बेवरेजेज हैं, डेजर्ट है, बेकरी आइटम्स, कुकीज़ वगैरह सब कुछ है। तो गाइज ये है वॉशरूम के अंदर का, बिल्कुल देखो नीट एंड क्लीन, जो जगह जगह इस रास्ते पर बने हुए हैं वो दो नंबर, ये एक नंबर, और भाई एकदम नीट एंड क्लीन है। और मैं बाथरूम कर रहा था यहाँ पे खड़ा होके, अचानक से ना मेरी नज़र ना इस पर चली गई सुसु करते हुए। भाई साइज देखो उसका, मेरी हथेली इतना साइज है, पता नहीं क्या ड्रैगन फ्लाई क्या है, ये तो दूसरे शॉट में देखो। तो दोस्तों हम आबकारी के रास्ते में ही हैं और यहाँ पर एक और रेस्टिंग पॉइंट मिला है नए रास्ते पर, ताराकोट मार्ग पर। अब यहाँ पर आ गया है बीकानेर वाला। अब हम खा के थक गए हैं, अब कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है जी। अब हम जाएंगे सीधा भवन की तरफ, ये आ गया बीकानेर। भाई साहब ना चाहते हुए भी ये घंटा यहाँ पर वेस्ट कर दिया है और सैंडविच खा लिया है 180 रुपीज़ का, और रसमलाई खाई है, और राजभोग रसगुल्ला खाया है, चाय पी है, तो 350-450 रुपये का बिल आया, और ना चाहते हुए भी जर्सी के पैसे लग गए। तो दोस्तों अभी था बीकानेर नंबर 1 नीचे, अभी आ गया बीकानेर नंबर 2। भाई खा के थक गए, मज़ा आ रहा है, कुछ भी चीज़ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छी सहूलियतें हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। चलो जी दोस्तों अभी हम आतकुआरी पहुँच चुके हैं, और आतकुआरी से भवन के लिए रास्ता पकड़ा है। अभी तक तो हम नए रास्ते जा रहे थे, वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अब हमने जो रास्ता पकड़ा पुराने वाला उससे सारा रश जो है, भाई तो चलने के लिए जगह नहीं मिल रही। चलने के लिए भाई साहब जगह नहीं है, चलने के लिए इतनी भीड़ है, कहाँ तो खाली खाली आ रहे थे और अब भीड़ के दिए हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा।
सागर नगर से आए रात को 11:15 बजे हम पहुंच गए। भीड़ देख लो, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। तो भाई साहब दरबार पहुंच गए हम। जय माता दी। जिन श्रद्धालुओं ने माता पार्वती के दर्शन कर लिए हैं, कृपा करके क्लासरूम से निकाल कर करना। 11 बज गए